सो हाय गाइस, मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट की एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने माइनक्राफ्ट का जो एक्सपी बार होता है और इन्वेंटरी होता है कुछ इस प्रकार के कैसे ग्लो करवा सकते हैं या फिर उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ एक्सपी बार और जो इन्वेंटरी होता है उसका कलर चेंज हो रहा है, बिल्कुल रेनबो की तरह यहाँ रंग बदल रहे हैं। अगर आपको भी कुछ ऐसा करना है अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वीडियो फुल देखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में एक्सपी और जो इन्वेंटरी बार होता है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं रेनबो कलर में। जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है और आपके में भी काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा करना है अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में और रेनबो की तरह अपने इन्वेंटरी और एक्सपी बार को कलर चेंज करवाना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप जरा सा भी मत कीजिएगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, अगर आपको भी डाउनलोड करना है रेनबो कलर एक्सपी बार अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में और प्ले करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कुछ ऐसा होगा, आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वहां मिलेगा डायरेक्ट मीडिया फायर डाउनलोड लिंक। जी हाँ, आपको मीडिया फायर का लिंक मिलेगा, कोई ऐड वाला लिंक नहीं है। सिंपली आपको दिए गए मीडिया फायर लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कोई सा ही ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरा यहाँ मीडिया फायर का लिंक ओपन हो चुका है और यहाँ लिखा आ रहा है RGB GUI, यही है रेनबो कलर एक्सपी बार वाला। तो सिंपली आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया और ये देखिए मेरा यहाँ डाउनलोडिंग हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, उस ऐप का नाम है ZArchiver। ये ZArchiver ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप ये ZArchiver ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना ZArchiver ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ मैं अपना ZArchiver ऐप को ओपन करता हूँ और वहाँ जाता हूँ जहाँ मैंने फाइल को डाउनलोड किया है। तो यहाँ मैंने डाउनलोड्स में यहाँ डाउनलोड कर लिया है। ये डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दो नंबर एक्सट्रैक हेयर पे आपको क्लिक करना है। एक्सट्रैक हेयर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए। और इस फोल्डर को आपको क्या करना है, इस फोल्डर को यहाँ से कट करना है। तो यहाँ मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद आपको जाना होगा डिवाइस मेमोरी में, तो यहाँ जाता हूँ मैं डिवाइस मेमोरी में। फिर इसके बाद आपको जाना होगा गेम्स वाले यहाँ फोल्डर में, गेम्स में जाएं, कॉम डॉन्ट मोजैंग में जाएं, फिर जाएं रिसोर्सेज पैक में, यहाँ पर जो आ रहा है इस पर क्लिक करें। रिसोर्सेज पैक में जाने के बाद आपको इसमें पेस्ट कर देना है। यहाँ देखिए मेरा यहाँ पेस्ट हो चुका है। ये हो जाने के बाद सिंपली आपको ये सब क्लियर कर लेना है। इसके बाद आपको अपना माइनक्राफ्ट ओपन कर लेना है। तो यहाँ मैं अपना माइनक्राफ्ट ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज मेरा यहाँ माइनक्राफ्ट ओपन हो रहा है, तो हम लोग इसको ओपन होने देते हैं। सो गाइज मेरा यहाँ माइनक्राफ्ट ओपन हो रहा है और ये देखिए मेरा यहाँ माइनक्राफ्ट ओपन हो चुका है। माइनक्राफ्ट ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा ग्लोबल रिसोर्सेज में, तो यहाँ नीचे आपको ग्लोबल रिसोर्सेज दिख रहा है। फिर माई पैक्स में जाके आपको ये वाला एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ये देखिए मेरा यहाँ एक्टिवेट हो चुका है। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ बैक पे क्लिक करना है। जैसे ही बैक जाएंगे तो आपका यहाँ लोडिंग लेगा, तो इसको आपको लोडिंग लेने देना है। जैसे ही आपका लोडिंग खत्म होगा और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ माइनक्राफ्ट का जो होम स्क्रीन होता है पूरी तरीके से आपका बदल जाएगा। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए कलर्स भी आ रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे यहाँ कलर्स आ रहे हैं, मैं जहाँ टच कर रहा हूँ। और आपको चलिए मैं एक्सपी बार का जो रेनबो कलर्स होते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं यहाँ प्ले पर जाके अपने वर्ल्ड में इंटर हो जाता हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पूरा लुक बदल जाएगा आपके माइनक्राफ्ट का, काफ़ी अच्छा लगेगा, बिल्कुल पीसी की तरह ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ वर्ल्ड जनरेट हो रहा है, तो वर्ल्ड को जनरेट होने देते हैं। और ये देखिए मेरा यहाँ वर्ल्ड जनरेट हो चुका है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ एक्सपी बार और जो सामान रखने का इन्वेंटरी होता है, देखिए कितनी अच्छी अच्छे से यहाँ ग्लो कर रहा है और रेनबो की तरह इसमें कलर बदल रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ देखिए जो कलर्स हैं कितने अच्छे से यहाँ लाइट हो रहे हैं और चमक रहे हैं। और ये देखिए इन्वेंटरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, कुछ इस तरह आपको इन्वेंटरी देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। और देख सकते हैं कितना स्मूथ है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डिस्कॉर्ड सर्वर पर आ सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो वहाँ मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। पहले तो आप जैसे कि गेम प्ले में देख ही सकते हैं कितना अच्छा चल रहा है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई है, आपके में भी काफ़ी अच्छे से चलेगा और काफ़ी स्मूथ चलेगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।